हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कौन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी ने हमारे प्रिय श्री कृष्ण और उनके दाऊ बलराम जी की जन्म की कथा तो सुनी है। तो आइए आज हम हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने गोकुल के नंदलाला श्री कृष्ण और बलराम जी की कुछ अनसुनी रोचक कथाओं को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे छोटे से कृष्ण और बलरामा ने अभी घुटनों के बल चलना ही सीखा था, तो वे दोनों अपने बालपन में अत्यंत शरारती हुआ करते थे। वे दोनों क्या करते कि जब गाय और बछड़े पास आते तो वे दोनों क्या करते, झट से उनकी पूंछ को पकड़ लेते। तो जब वे गाय और बछड़ों की पूंछों को पकड़ते तो वे अत्यंत डर जाते और डर के मारे गाय और बछड़े भागने लगते। जब वे भागने लगते तो कृष्णा और बलरामा भी अत्यंत डर जाते और डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर देते। लेकिन वे डर के मारे गाय और बछड़े की पूंछ को छोड़ ही नहीं पाते थे। तो पूंछ के साथ साथ जब गाय और बछड़े भागते तो कृष्णा और बलरामा भी पूंछ के साथ साथ इधर उधर खींचे चले जाते। जब वे खींचे चले जाते तो उनकी छाती और वक्षस्थल नीचे ब्रज की भूमि पे नीचे लग जाता। तो जब वहाँ की गोपियों को इस तरह से जाते हुए देखती तो गोपियाँ अत्यंत चिंतित और निराश हो जाती और वे जोर जोर से रोने लगती और वे कहती कि हाय, हमारे गोकुल के जो नंदलाला और बलरामा है, इन दोनों की काया और शरीर अत्यंत कोमल है और इनके कोमल शरीर पे ब्रज के कंकर पत्थर लग जाएंगे और जब कंकर पत्थर लगेंगे तो इनके शरीर को अत्यंत पीड़ा होगी। तो वे क्या करती, रोने लगती। परंतु श्री वृंदावन धाम तो चिंतामणि है, वृंदावन धाम धन्य है और वहाँ के जो कंकर और पत्थर हैं वे सदैव श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नेहकृत करते। वे सदैव ही उन दोनों को आनंद प्रदान करते। वे स्वतः ही पिघल जाते और उनके शरीर को कोमल फूल के समान प्रतीत होते, ताकि ब्रज के इन दोनों दुलारों को कोई पीड़ा ना हो, उनके शरीर को कोई कष्ट ना हो। धन्य है ब्रज की माटी, धन्य है ब्रज की भूमि, श्री वृंदावन धाम की जय हो। अब हम दोनों कुमारों की दूसरी लीला का वर्णन करते हैं। तो दोनों नटखट श्री कृष्ण और बलराम दोनों थोड़े बड़े हुए और उन दोनों ने नंद बाबा की छोटी उंगली पकड़कर चलना सीखा। तो श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, भलम बलवत्म चहम, मैं बलवान में बल हूँ। तो वही श्री पुरुषोत्तम भगवान आज नंद बाबा की छोटी उंगली पकड़कर चलना सीख रहे थे। वे दोनों चलते चलते जब गिर जाते तो वे दोनों रोने लगते। तो इस पर नंद बाबा उनको कहते, उठो गोपाला, उठो कृष्णा, उठो बलरामा, उठो, तुम कर सकते हो, तुम चल सकते हो। वे दोनों श्री नंद बाबा की प्रेरणा से चलते। तो इसी प्रकार से जब वे दोनों थोड़े और बड़े हुए तो वे अत्यंत शरारती हो गए। वे दोनों क्या करते, कुतूहलवश जलती हुई अग्नि में हाथ डालने का प्रयास करते और कभी कभी क्या करते कि बंदरों के मुंह में उनके दांतों के ऊपर हाथ रख देते। तो इस पर यशोदा मैया और रोहिणी मैया उनके लिए अत्यंत चिंतित रहती और सारा दिन उनके पीछे पीछे भागती रहती थी। एक बार जब गर्गा मुनि आचार्य इन दोनों बालकों का नामकरण करने गोकुल पधारे तो तब श्री कृष्ण रोहिणी मैया की गोदी में बैठे थे और बलराम जी भी श्री यशोदा मैया की गोदी में बैठे थे। तब भी गर्गाचार्य मुनि को एक क्षण भी नहीं लगा ये पहचानने में कि कौन किसके पुत्र हैं, क्योंकि कृष्ण जी बैठे तो रोहिणी मैया की गोदी में थे परंतु वे बार बार श्री यशोदा मैया के श्रीमुख की ओर निहार रहे थे, और बलराम जी बैठे तो श्री यशोदा मैया की गोदी में थे परंतु वे बार बार अपनी रोहिणी मैया के श्रीमुख को ही निहार रहे थे। तो इससे गर्गाचार्य मुनि जी को एक क्षण भी नहीं लगा ये पहचानने में कि कौन किसके पुत्र हैं। दोनों बालक अत्यंत मधुर थे और बहुत सारी लीलाएं करते थे। वे दोनों अपनी माताओं से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे दोनों अपनी माताओं को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। सारा दिन उन्हीं के साथ कुतूहलवश खेलते, लीलाएं करते, रूठते, मनाते और सारा दिन अपनी माताओं के साथ ही व्यस्त रहते थे। और दोनों माताएं अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उनकी लीलाओं का सदैव आनंद लेती रहती थी। ये थी हमारे कृष्णा और बलरामा की कुछ मधुर लीलाएं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी लीला सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली लीलाओं को शेयर करें ताकि वे भी इन लीलाओं का आनंद ले सकें। और कृपया हमारे इस चैनल के साथ सदैव जुड़े रहें और आप आनंद लेते रहें ऐसे ही भक्तिजनक वीडियोज़ का।
और हाँ, जन्माष्टमी कंपटीशन में प्लीज़ ज़रूर पार्टिसिपेट करें और बहुत सारे प्राइज़ जीतने का मौका पाएं। हरे कृष्णा।